हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसिपल पे, जहां पर आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के सभी विषय की तैयारी कराई जाती है। और मैं अपने जादवपुर क्षेत्र में क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक सभी विषय को पढ़ाता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का अगला पार्ट है। ये तीन पार्ट का, जैसे कि कल की क्लास में हमने ये जाना था कि कैसे हमने ग्राफ को हल किया और फिर ग्राफ के विधि से ग्राफ खींचना सीख लिया है। ठीक है, तो ग्राफ खींचना आपने सीख लिया है तो याद रखिएगा इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं आगे। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ग्राफ का आप 2-3-4 कॉपी रखिए ताकि इतना तो लग ही जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना, क्योंकि 5 नंबर की बात है, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इस पे। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक कंप्लीट करते हैं। जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में, 2 क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का हल करना सीखा था। उसके बाद वाले वीडियो में हमने सीखा कैसे ग्राफ खींचा जाता है, और फिर से अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक और उनके क्या तरीके हैं, उनको अच्छे से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीछे वाले सभी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं। वहाँ पे केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ या जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, सबका फोल्डर बना हुआ है क्लास वाइज, आप उसको अच्छे से लाइन बाई लाइन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किताब में देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ट्रेन ए के पहिए का पथ का समीकरण x+2y-4=0 तथा ट्रेन बी के पहिए के पथ का समीकरण 2x+4y-12=0 है, इस स्थिति का ज्यामितीय निरूपण करें। मतलब इस सवाल का बाबू आपको ग्राफिक खींचना है। आपको 2 समीकरण दिया, जैसे कि और साल में क्या होता था कि समीकरण नहीं देता था, आपको निकालना होता था। इसमें समीकरण दिया हुआ है और समीकरण को आपको हल करना है, और हल करने के बाद उसके ग्राफ खींचना है। तो चलिए मैं हल कर देता हूँ। ठीक है, ग्राफ आप लोग खींच लीजिएगा, इसके बाद से मैं केवल समझाते चलूँगा और आप लोग इस टाइप के सवाल आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि x+2y-4=0। पहला समीकरण है हमारा, लिखेंगे 4 नंबर, x+2y-4=0, इसे हम कहेंगे समीकरण ए। और दूसरा समीकरण है 2x+4y-12=0, समीकरण में ये हमारे 2 समीकरण दिए गए, और दोनों समीकरणों का हमें 2-2 हल ज्ञात करना है हर सवाल की तरह, और 2-2 हल ज्ञात करने के बाद इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे समीकरण एक से, तरीका वही रहेगा बाबू, पूरे चैप्टर में आपको केवल ग्राफ ही पढ़ना है और तरीका कहीं नहीं बदलेगा। लिखेंगे समीकरण एक से और समीकरण एक को उतार देंगे, x+2y-4=0। इसके पहले वाले सवाल में हमने क्या दिया था कि जो इधर बराबर में 0 नहीं होता था, कोई अंक होता था, तो केवल हम y वाले को उधर भेज देते थे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इधर केवल x वाले को रखेंगे, बाकी सबको उस साइड में भेज देंगे। तो ये 2y-4 जो इधर जाएगा, तो 2y+ में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो x का x, और ये हम क्या करेंगे, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं तो अच्छा रहता है। तो 4 को लिख लेंगे, क्योंकि माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस में इधर आके माइनस में, पहले भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छा रहता है पहले प्लस तब माइनस। अब इसका 2 हल निकालते हैं। अगर यहाँ पे कोई अंक होता, अगर होता तो बटा में चला जाता, नहीं है तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले वाई का मान हमें 1 से स्टार्ट करना होता है, मतलब चेक करते हैं, जैसे 2 एकम 2, तो 4 से 2 घटाएंगे तो 2, अच्छा है ये। चलिए इसमें कटाने वाला झंझट नहीं, कुछ भी रख दीजिए। जब वाई बराबर 1, इसलिए एक्स बराबर 4-2y, तो 2 × y की जगह 1, 2 एकम 2, 4 से 2 गया 2, x का मान 2 आ गया कब, जब y का मान 1, फिर अगर y का मान हम 2 रखते हैं तो 2 दुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो थोड़ा अच्छा इतना नहीं लगता। चलिए 3 रख लेते हैं, इसलिए x बराबर 4-2y,
एक्स बराबर फोर माइनस दू गुणे तीन, तो द्वितीय अंक कितना हो जाएगा? छ। चार से छ घटाएंगे तो माइनस दो आ गया हमारा, दो हल निकल गया। अब इसका एक चार्ट बना देते हैं। सबसे पहले हमने y का मान एक लिया था तो x का मान दो आया था, एक तो दो, और जब हमने क्या लिया y का मान तीन तो x का मान माइनस दो। ये पहले समीकरण का दो हल हो गया। अब दूसरे समीकरण का हम दो हल ज्ञात करेंगे, लिखेंगे दूसरे समीकरण से या समीकरण दो से। समीकरण दो हमारा क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। ये भेज देंगे माइनस में, 12 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, इधर केवल बचेगा 2x, 12 प्लस में 4y इधर जाएगा तो माइनस में, दो गुणा में है तो बटा में। अब आपको क्या करना है, y का मान सोचना है, यहां पे थोड़ा सोच समझ के, ये तो सीधा सीधा था, बटा में कुछ नहीं था तो रख दिए, इसको थोड़ा सोचते हैं। y का मान अगर एक रखते हैं तो चार एक चार, तो 12 से चार घटाएंगे तो 8 आएगा, 2 के पाड़ा में 8 आता है, आराम से y बराबर एक रख सकते हैं। इसलिए यहाँ भी इसलिए लिखते हैं, ठीक है ना, x बराबर 12 माइनस 4 वाई, वाई की जगह एक बटा में दो। या x बराबर 12 माइनस बाबू चार में एक से गुणा करेंगे तो चार एक चार बटा में दो, 12 से चार घटाएंगे 8 बटा दो घटा देंगे तो आ जाएगा x बराबर चार। मतलब जब हम y का मान एक रख रहे हैं समीकरण दो में तो x का मान कितना आ रहा है, चार आ रहा है। फिर एक बार और रखना है, अगर मान लीजिए आप हम दो रखते हैं तो चार दूना आठ, आप 12 से आठ घटाएंगे तो चार, और दो दूना चार, दो से कट जाएगा तो y बराबर हम दो रख लेते हैं। जब y बराबर दो इसलिए x बराबर 12 माइनस चार वाई बटा दो है तो 12 माइनस चार वाई, वाई की जगह दो बटा में दो, चार गुना आठ बटा दो, 12 से आठ घटाएंगे चार बटा में दो, इसको कटा देंगे तो दो दूना चार, तो एक्स का मान कितना आ गया 12। और फिर से एक हम चार्ट बना देंगे, एक्स वाई। सबसे पहले हमने वाई का मान एक रखा तो x का मान चार आया, एक चार, जब दो रखा तो दो आया। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि इस समीकरण का हल हो गया। अब इसके बाद से इसका हम ग्राफ खींच लेंगे, तो ग्राफ खींचना तो मैंने जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में बताया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं उसको उस वीडियो को देख ले, अच्छे से समझाया गया है, आराम से आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हाँ चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजमार्ग संख्या 1 और 2 के पथ को क्रमशः समीकरणों x माइनस वाई बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 12 से दिए गए हैं, इन समीकरणों का ज्यामितीय निरूपण करें। मतलब दो ठो समीकरण इसमें भी है, इसी सवाल की तरह बिल्कुल है, x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण एक मान लीजिएगा और 2x प्लस 3y बराबर 12 को समीकरण 2 मान लीजिएगा, और इसी तरह दो हल ज्ञात करके ग्राफ खींच लेना है, ठीक है ना। तो आराम से इसको बना लीजिएगा ना। अच्छा ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो ये है कि एक व्यक्ति ए बिंदु
जीरो तीन और एक तीन को मिलाने वाली राह पर और दूसरा व्यक्ति बी बिंदु जीरो चार और एक पाँच को मिलाने वाली राह पर टहलता है, राह मतलब रास्ता होता है, इस स्थिति या कथन का ज्यामितीय निरूपण करें। मतलब इस सवाल को आपको बनाना नहीं है, डायरेक्टली इसका ग्राफ खींच देना है। करना क्या है कि देखिए, आपके पास एक है जीरो तीन और एक है एक तीन, जैसे होता है ना कि हम समीकरण को हल करते हैं तो ऐसा एक चार्ट बनाते हैं, फिर एक ऐसा चार्ट बनाते हैं, तो ऑलरेडी आपके पास चार्ट दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि सवाल को सीधे बना देना है। मतलब करना क्या है तो इसको अच्छे से समझिएगा, थोड़ा बना लेंगे आप लोग काफी इजी तरीके से इसको। देखिए यहां पे आपको चार्ट दिया गया, पहला चार्ट ये है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो पहले चार्ट में एक्स का मान है जीरो और वाई का मान है तीन, क्योंकि जीरो तीन दिया है किताब में देख सकते हैं, फिर दिया है एक तीन, तो एक्स का मान एक और वाई का मान तीन। फिर एक दूसरा चार्ट दिया है, दूसरा चार्ट है हमारा x का मान जीरो y का मान चार और x का मान एक y का मान पांच, ऐसे करके हमारे पास चार्ट दिया और इस चार्ट के द्वारा हमें क्या करना है, ग्राफ खींच देना है। तो बस सिंपल है, ग्राफ आराम से खींच दो, जैसे बताया है ना कि x अक्ष y अक्ष, इसमें सबसे बड़ा कौन है सजा दीजिए और उसके बाद मान लीजिए जीरो तीन, तो जीरो तीन एक तीन और एक लाइनिंग खींच दीजिए, इसी तरह दो लाइन इसमें खींचा जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग आसानी से इस ग्राफ को बना सकते हैं, इसमें बनाना नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि और ग्राफ खींच देना है, तो इसका आप लोग ग्राफ खींच लीजिए, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सात की तरफ चलते हैं। सात नंबर जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का नाइन्थ क्लास का सवाल है, मतलब इस टाइप का सवाल नाइन्थ में बना हुआ है, तो चलिए बनाते हैं। जांच करें कि x और y के कौन कौन मान जो है मान युग्म समीकरण 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0 के हल है। मतलब नीचे देख लीजिए, सात नंबर में छह क्वेश्चन दिया है और सब में x y का मान दिया है, और उस x y के मान को ऊपर दिए गए समीकरण में रख के हल करना है और बताना है कौन कौन इसका हल है और कौन कौन हल नहीं है। देखिए हल कब होगा, जब x और y का मान दिए हुए समीकरण में रखें और उसका मान दोनों साइड बराबर आ जाए, तब वो हल होगा, बराबर नहीं आएगा तो हल नहीं होगा। जैसे एक सवाल बना के हम दिखाए थे, एक बना देंगे तब बाकी सब बना लेंगे, बहुत इजी है। हमारे पास समीकरण वही है, सात नंबर, सब में समीकरण यही यूज करना है, जो समीकरण दिया हुआ है। एक सेकंड मार्कर थोड़ा सा, हमारे पास जो समीकरण है वो समीकरण ये है कि 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y बराबर में प्लस में 24 है और बराबर में 0 है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि एक्स वाई के मान को रखना है, जैसे एक नंबर सवाल दिया है और उसमें एक्स का मान 0 है और वाई का मान 8 है, एक्स का मान 0 है और वाई का मान 8 है, और चेक करना है कि ये एक्स और वाई इसका हल है कि नहीं है। तो कैसे, तो लिखेंगे नीचे, इसलिए समीकरण को पहले उतार देंगे, 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0, सब सवाल में x y के मान लिखते चलिए, इस समीकरण को उतारिए, या बीच में बराबर के चिन्ह है तो या चार का चार बीच में गुणा लगा के x का मान जो जो भी दिया हो, जैसे इसमें x का मान 0 दिया है तो 0 माइनस 3 गुणे y का मान इसमें क्या है 8, फिर 24 का 24 बराबर 0, चार में 0 से गुणा करेंगे 0 8 3 का 24 प्लस 24 बराबर 0, एक प्लस 24 और एक माइनस 24, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो केवल बच जाएगा 0 बराबर 0। देख लीजिए दोनों साइड बिल्कुल बराबर आ गया ना, आ गया ना बराबर, तो कहेंगे कि x बराबर 0 y बराबर 8 समीकरण, ये समीकरण ध्यान रखिएगा, 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0 के
हल है। अगर बराबर आएगा तो हल है, अगर बराबर नहीं आएगा तो हल नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह इसमें दो नंबर में दिया x का मान -100 y का मान 0, इसमें भी रख के चेक, यहाँ -100 यहाँ पे 0, कटता है तो 0 आएगा, बराबर आएगा दोनों साइड तो हल है, बराबर नहीं आएगा तो हल नहीं है, ठीक है। इसी तरह बना लीजिएगा आप लोग, बन जाएगा ना, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिए, जो भी सवाल में दिक्कत होगा हम जरूर उसका भी वीडियो बना देंगे, बट बना लीजिएगा, क्योंकि हम वही क्वेश्चन छोड़ते हैं शुरू से ही, आपको पता है जो आपसे नहीं बनने वाला होता है उसको हम बना देते हैं और जो बन जाने वाला होता है उसको छोड़ देते हैं। तो चलिए आज का अंतिम सवाल 8 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जांच करें कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन रैखिक समीकरण 5x-3y+30 = 0 के आलेख पर है, ठीक है ना। मतलब कहने का अर्थ ये भी सवाल बिल्कुल इसी तरह है, आपके पास समीकरण दिया है कि 5x-3y+30 = 0, कौन कौन आलेख पर होगा कौन कौन नहीं होगा इसको आपको बताना है। तो दोनों पक्ष जब बराबर आएंगे तो आलेख पर होगा, नहीं आएंगे तो आलेख पर नहीं होगा। चलिए एक बना करके दिखा देते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, समीकरण दिया हुआ है (5x-3y + 30) = 0, और पहला जो सवाल है ए नंबर वो है -100 बिंदु ए का मान क्या है -100। इसका अर्थ हुआ कि -100 जो है वो x का मान है और 0 जो है वो y का मान, ऐसा ही सब में दिया हुआ है। पहला जो होगा वो x का मान, दो नंबर पे होगा उसको y का मान आप लिख देंगे, फिर समीकरण को उतारेंगे। इसलिए इसलिए जरूर लगाइएगा 5x-3y+30 = 0 या 5 × x का मान -100, देखिए कुछ है माइनस में तो इसको कुछ लगा देंगे, 3 × 3 y का मान 0 + 30 = 0, 5 × 30 यानी -30, 3 × 0 से गुणा होगा 0 और ये +30 = 0, एक -30 और एक +30 क्या होगा कट जाएगा, बचेगा 0, माइनस नहीं होता है 0 में, माइनस हटा देते हैं 0, इधर भी 0, दोनों पक्ष बराबर आ गया ना, तो लिख देंगे अतः ये जो बिंदु है ए -100 समीकरण 5x-3y+30 = 0 के आलेख पर स्थित है। और इस तरह आप इसमें का जितना भी सवाल दिया और भी 6 ठो सवाल है, मतलब टोटल 7 सवाल है, आसानी से आप बना सकते हैं, बन जाएगा ना। तो इसको नोट कर लीजिए और आराम से आप क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लीजिए। देखिए इसके बाद वाले क्लास में यानी कि कल की क्लास में जब हम मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक, मतलब ग्राफ का कॉपी तो बहुत लगने वाला है आप लोगों को, ठीक है ना। कल बहुत ही लंबा क्लास चलेगा, क्लास 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, मतलब इतना कंप्लीट कर देंगे। तो क्लास मत छोड़िए, डेली का इसलिए कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास छूटे ना, तुरंत आपको पता चल जाए कि वीडियो आ चुका है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।